सो अभी हम जा रहे हैं टाटा मोटर्स कार की डिलीवरी लेने। पंकज जी के पास जरूर आना। फाइनली निक्कू भैया मिल गए। भैया आपको हैरियर कैसी लगी? मस्त कार है। तो मैं टाटा वालों से कार लेकर आ गई हूँ। ये इसका डीजल ऑटोमेटिक टॉप वाला वेरियंट है और ये देखो यार इसमें सनरूफ वगैरह सब मस्त है एकदम। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 1। आप चाहे गुड मॉर्निंग मान लो चाहे गुड नाइट मान लो, अभी मैं हूँ बठिंडा रेलवे स्टेशन पे क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है हैरियर की डिलीवरी लेने। अब मैं अपनी गाड़ी इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे फिर हैरियर लेके आगे निकलना है, तो बहुत ज्यादा दिन ऐसे ही खड़ी रहेगी, कोई काम नहीं है वहाँ पे पंच का, इसलिए मैं लेके नहीं गई। और यहाँ पे ना मैंने अपने पर्स की चेन निकाली और अपने बैग को उससे बांध दिया क्योंकि मुझे टीटी सर ने डरा दिया था कि ना यहाँ पे 2-3 दिन से चोरियां काफी हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको बांध दिया। वैसे यहाँ पे रिस्क काफी कम रहता है क्योंकि मैं एसी कोच में हूँ, बट फिर भी यार मेरे को थोड़ा डर लगा तो मैंने इसलिए बांध दिया। और यहाँ पे ना ठंड बिल्कुल नहीं लगती, पूरा वार्म सा रहता है, हीटर चलता रहता है। और बस यार मैं हैरियर लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 6 hours later और अभी लगभग 7:30 हो रहे हैं और मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे काफी ठंड लग रही है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और ना यार यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे बैठ जाऊँ थोड़ी देर। वैसे भी मुझे कार की डिलीवरी तो काफी लेट ही लेनी है। और यार एक साइड यहाँ देखो आपको यहाँ पे सूरज दिख रहा है और ये देखो दूसरी साइड यहाँ पे आपको चांद भी दिख रहा है। और ये देखो जरा यहाँ रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में भी मुझे टायर नजर आ रहा है। यार सच में इतना प्यार हो गया क्या मुझे टाटा से। और अभी मैं जा रही हूँ होटल लेने क्योंकि यार अभी तो 7:30 ही हुए हैं, शोरूम में जाके क्या बोलूँ मुझे कार दे दो, शोरूम अभी तक खुला भी नहीं होगा। तो हम लोग ना होटल लेंगे निक्कू भैया की शॉप के पास जहाँ पे मैं पहले रुकी थी, फिर बाद में जाके निक्कू भैया से भी मिल लेंगे। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा नैप लेके हटी थी, वैसे मैं सुबह जल्दी आ गई थी, मतलब 7-8 बजे आ गई थी लगभग, और मैंने निक्कू भैया को फ़ोन भी किया था बट वो थोड़े से बिजी होंगे तो इसलिए उन्होंने कॉल नहीं उठाया। अभी यहाँ से ना सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे निक्कू भैया की शॉप है, तो मैं जाके एक बार उनसे मिलाऊंगी, उसके बाद हम कार की डिलीवरी लेने जाएंगे। तो बस निकल रही हूँ, उसके बाद सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है। मैंने रात को सोचा था कि बठिंडा में छोले भटूरे खाऊंगी पर वो मैंने नहीं खाए। तो जस्ट अभी निक्कू भैया का फ़ोन आया कि मैं पार्किंग में हूँ और ना थोड़ी देर ही, मतलब वो सामने आपको शॉप दिखाऊंगी अभी अभी ना। यहाँ से ये अंकल देख रहे हो आप, यहाँ से मैं रेगुलर फ्रूट खाती थी जब कार मॉडिफाई करवाने आई थी, तो बस अंकल से मैं पहले फ्रूट ले लेती हूँ फिर निकल जाके पास जाती हूँ। अंकल जी फ्रूट दे दो, पहचान रहे हो? बहुत दिन हो गए अंकल जी के पास आए हो, काफ़ी टाइम बाद अब दिल्ली आना हुआ है तो फिर आप अंकल के पास आए। तो यहाँ से ये देख रहे हो सामने निक्कू भैया की शॉप बस इतनी ही दूरी पे है। और ये देखो डिकोर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, लास्ट टाइम भी मैंने भैया को बोला था सही करवा लो। और मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, निक्कू भैया आपको शॉप पे कभी नहीं मिलेंगे, निक्कू भैया आपको हमेशा मिलेंगे पार्किंग में। तो अंकल जी 30 रुपये में कुछ ऐसी फ्रूट की प्लेट बना के देते हैं, अगर कभी करोल बाग आना हो तो अंकल जी के पास ज़रूर आना। तो ये है वो पार्किंग जहाँ पे आपको निक्कू भैया मिलेंगे, अंदर जाके एक बार आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ही सारे मॉडिफिकेशन का काम होता है। फाइनली निक्कू भैया मिल गए, अभी भी बिजी हैं ये, वो बात अलग है। निक्कू भैया हैरियर लेने जा रहे हैं, चलोगे? नहीं आप ले आओ। सो अभी हम जा रहे हैं टाटा मोटर्स कार की डिलीवरी लेने और मैं मास्क रिमूव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी मास्क कंपलसरी हो रखे हैं, तो फिर फाइन भरना पड़ जाता है। अंकल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ कार के बारे में। हाँ जी, पहले तो आप अपना नाम, ये स्टैंड है, पहले तो आप अपना नाम बता दो। नेत्राम नाम है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको कार ये लिए हुए? ये गाड़ी लिए हुए 2 साल हो गए। कितनी चला दी? 80,000। चलो आपका तो फिर ये काम ही हो गया। एक्सपीरियंस कैसा है आपको, कैसी लगती है कार? डिजायर गाड़ी अच्छी है, ड्राइव में भी कंफर्टेबल है। हाँ, हर तरह से सूटेबल है। अच्छा, माइलेज वगैरह वो भी ठीक है। कितनी निकाल के दे रही है? आपने सीएनजी वगैरह तो नहीं लगा रखी? हाँ सीएनजी है ना। अच्छा सीएनजी है, पेट्रोल में कहाँ चलेगी टैक्सी? वैसे मैं पूछ रही हूँ सीएनजी में क्या, मतलब एवरेज निकाल के दे देती है कार? देखो मैंने जो इसके एवरेज मान रखे वो मान रखे है 18 से 20। बस दिक्कत एक ही दे रखी है। क्या? कि बस एयर बैग एक है बस। अच्छा, तो और कोई कमी लगती है आपको गाड़ी में कि हाँ ये चीज़ होती तो अच्छा होता? हाँ है कमी। क्या कमी है? ये जो ड्राइवर सीट है ये बहुत नीचे है, डैशबोर्ड है बहुत ऊँचा है। अब मान लो मेरी हाइट कम है, रियली है, मैं गारंटी नहीं कह सकता हूँ 80% ड्राइवर को आगे रास्ता नज़र नहीं आता, बोनट ही नहीं दिखता तो रास्ता कैसे दिखेगा। अच्छा, वो डिस्टेंस होने पर तो दिखता है रोड। ये जो ड्राइवर सीट है ना, जैसे जेस्ट गाड़ी है ना, उसमें एडजस्ट दे रखा है कि हम आगे के अलावा सीट चाह रहे थे अब ऊपर नीचे भी हो जाएगी, तो वो ऑप्शन इसमें हो ना
तो शायद काफी कंफर्टेबल गाड़ी हो जाएगी। कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हो आप वैसे? एक्सपीरियंस की बात करें आप टैक्सी लाइन तो मैं दो ढाई साल से आया हूँ। अच्छा। पर्सनली बात करें ना तो मेरा जो अपना अनुभव है वो है कम से कम 24 साल। अच्छा, 24 साल से। फिर टैक्सी लाइन में आने का मतलब कैसे सोचा? पहले मेरा वेयर हाउस का काम था, वेल्डिंग का। अच्छा अच्छा। अब वो मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से डाउन चल रहा हूँ, बहुत डाउन है मार्केट। अच्छा। इस वजह से मैंने ये। चलो सही है, बैठने से अच्छा तो कोई काम हो जाता है और बहुत बढ़िया है। हाँ। और घुमाई भी हो जाती है आपकी? घुमाई तो खैर ये बात भी ठीक है, घुमाई हो जाती है। हाँ। बट घूमने की इच्छा तो है नहीं। घूमने की इच्छा नहीं है। हाँ। जहाँ दिल्ली एनसीआर गुड़गांव जहाँ आना है वो हम पहले घूमे हुए हैं। फिलहाल मैं दिल्ली से गुड़गांव जा रही हूँ क्योंकि जहाँ से मुझे कार पिक करनी है वो ऑफिस दिल्ली में नहीं है, मुझे गुड़गांव के ऑफिस से ही पिक करनी होगी। यार दिल्ली में रोड्स देखो इतनी बड़ी बड़ी है, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक रहता है यार, मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है इतना ट्रैफिक देखने की क्योंकि मेरे वहाँ पे ट्रैफिक इतना होता नहीं है। तो कुछ ये लोकेशन मुझे भेजी गई थी, यहाँ पे ना काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, महिंद्रा का है, नेक्सा का भी है, और वो देखो यार थार खड़ी है कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और टाटा का शोरूम ना यहाँ से ऊपर है, तो बस मैं ऊपर जा रही हूँ। तो मैं टाटा वालों से कार लेकर आ गई हूँ। अब डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि कार मेरी है, कार टाटा वालों की है। अगर आप इनकी नंबर प्लेट सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टाटा मोटर्स के नाम ही है। बट मैं एक ट्रिप पे जाने वाली हूँ तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप हैरियर अवेलेबल करा दो, तो उन्होंने मुझे हैरियर अवेलेबल करा दी, तो कुछ दिन के लिए ये मेरे पास है और एक मस्त सी ट्रिप आने वाली है तो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। ये इसका डीजल ऑटोमेटिक टॉप वाला वेरिएंट है और ये देखो यार इसमें सनरूफ वगैरह सब मस्त है एकदम। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि सनरूफ का मजा पहाड़ों में आता है, मैं ना आपको जाके प्रैक्टिकली दिखाऊंगी भी क्योंकि मैं पहाड़ों में जाने भी वाली हूँ, और मेरे साथ कौन जाने वाला है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगी। अभी बस इसको ना मैं निकू भैया के पास लेके जाऊंगी, उनको दिखाऊंगी और उनसे पूछवाऊंगी कि वो हैरियर को क्या बना के दे सकते हैं। मैं मेरा फेवरेट बर्गर महाराजा मैक खाने आई हूँ। यार मेरे को सच में बोल रही हूँ, मैकडोनल्ड्स की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो टेस्टी नहीं होती और वैल्यू फॉर मनी भी होती है। ये ले तो लिया है पर मैं ये खाऊंगी कैसे? भैया आपको हैरियर कैसी लगी? मस्त गाड़ी है। मस्त गाड़ी है तो आपकी तैयारी होगी क्या जी? जाने की कल तैयारी कर ली आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मुझे कह रहे थे कि अगर गर्मी में तेरे को ठंड लगी तो आपकी जैकेट पहन लूंगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैंने अभी कपड़े की तैयारी नहीं किया था, जाने की तैयारी फुल है। जाने अब बस काम इतना था कि अब ये ब्लॉग पे बोल रहे हैं कि सुबह 8 बजे निकल जाएंगे। अगर इन्होंने मुझे परेशान किया, फोन नहीं उठाया तो देख लो ये बड़े ऐसे करते हैं भाई। चप्पलों से इनको इतना प्यार है, कहते हैं बर्फ में जाऊंगा चप्पल पहन के। हाँ, जूता पहन। समझा समझा के इनको जूते के लेने को कहा है, तब जाके इन्होंने मिनटों के बाद जूते लिए हैं बताओ। तो बस यार सबको बाय बाय कह दिया है और मैं निक्कू भैया को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझाया हूँ कि सुबह 8 बजे निकलना है तो लेट मत करना क्योंकि वो बहुत लेट करते हैं। तो बस अब मैं होटल में वापस जा रही हूँ, थोड़ी अच्छी स्लीप लेनी जरूरी है क्योंकि सुबह फिर निकलना है हमें।